Hi friends, my name is Arif. In this video, we will talk about weight loss or weight gain, calorie deficit diet chart, and all other topics. So, main जो अपन पे बात करेंगे वो weight loss की या weight की बात करेंगे. जो weight क्या होता है? Weight जो particular अपना जो दो तरह के physics में अगर देखें तो W equals to mg. मैं physics में in detail नहीं जाऊँगा. Weight जो अपना होता है. अब अपन बात करते हैं weight loss को और weight लॉस करना हो या गेन करना हो तो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपकी कैलोरी इंटेक पे. कैलोरी इंटेक क्या होती है? कैलोरी क्या होती है? जो भी चीज अपन पूरे दिन में खाते हैं, कुछ भी, चाहे छोटे से चाय का कप से लेके पूरे दिन में जितनी अपन 5 रोटियां खाते हैं, 4 रोटियां खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो चीज अपन को क्या देती है? कैलोरी. एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ तो एक रोटी खाते हैं, एक रोटी जिसको अपन रोटी बोलते, ब्रेड बोलते हैं, चपाती बोलते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 105 कैलोरी. अब डिपेंड करता है कौन सी, मैं नॉर्मल साइज की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5 कैलोरी होती है. अगर कोई आदमी 5 रोटी खाता है तो उसको 525 कैलोरी के आसपास यहाँ से जनरेट होगी उसके पास. कोई 2 खाता है तो उसके पास 210 होगी. अब ये कैलोरी और वेट का क्या रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जितनी ज़्यादा कैलोरी आप खाओगे उतना ज़्यादा वेट आपका क्या होगा? गेन होगा. कम खाओगे लॉस होगा. लेकिन अपने जो पूरी बॉडी के फंक्शंस हैं, जैसे अपन सब बॉडी के जो जितने पार्ट्स हैं, ब्लड, हार्ट है, आपके किडनी है, उन सबको काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? कैलोरी से मिलती है. इसलिए अपन को कुछ ना कुछ खाते रहना पड़ता है. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल के रूप में मैं लेता हूँ कि एक बंदा है, इंसान है, नॉर्मल इंसान है, 5 फुट 10 इंच हाइट है और लगभग 25 से 30 साल एज है, मेल है. ओके, उसको पर डे कैलोरी चाहिए 2000. अब 2000 कैलोरी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो दिन में 20 रोटियां खा ले. तो उसको 2000 कैलोरी के साथ क्या क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए और आपको फैट चाहिए. ये तीनों ही कैलोरी के क्या होते हैं? सोर्स होते हैं. प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस आपका कह सकते हैं फैट, कुछ शुगर भी ऐड करते हैं, कुछ इसमें एल्कोहल भी. लेकिन अपन बेसिकली बात करते हैं तीन की ही, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की. अब ये 2000 कैलोरी किसी बंदे की है, वो पर डे में सिर्फ प्रोटीन नहीं खा सकता, इन तीनों का मिक्सर लेके ही वो अपनी बॉडी को जो जो रिक्वायरमेंट है. कई कहते हैं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वेट गेन करवा देता है. बिगेस्ट मिथ, हर चीज़ की एक निश्चित रिक्वायरमेंट होती है. प्रोटीन अपने मसल्स के लिए जरूरी होता है, कार्बोहाइड्रेट अपने एनर्जी देता है और फैट भी अपन को रिक्वायरमेंट होती है अपने जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके लिए, थोड़ी बहुत एक लिमिटेड मात्रा में. अब इनके बात करते हैं, एक प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है. 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरी और 1 ग्राम फैट में भी 9 कैलोरी होती है. इसलिए कहते हैं, एग्जांपल आपने कई बार सुना होगा, तली हुई चीज़ें खाने से ज़्यादा वेट बढ़ता है. क्यों बढ़ता है? 9 कैलोरी होती है. अगर आप 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की सोर्स ले रहे हो और 100 ग्राम ये ले रहे हो फैट की, तो यहाँ आपको कितनी कैलोरी मिल गई? 900 कैलोरी मिल गई. और यहाँ सिर्फ कितनी मिली? 400, यानी 500 ज़्यादा हो गई. और वो 500 आपको वेट गेन करवाती है. इसीलिए कहते हैं कि तली हुई चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए. अगर शुगर की बात करें तो शुगर में अप्रोक्सीमेट 1 ग्राम में होता है 4.2 कैलोरी. और कुछ लोग एल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेट होती है 7 कैलोरी. 1 ग्राम में कितनी होती है? 7 कैलोरी. ये भी आपको समझने वाली बात है. कुछ लोग जो एल्कोहल लेते हैं डेली लाइफ में या एवरी डे लेते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, वेट उनका वेट ज़्यादा होता है. उसका रीज़न भी यही होता है कि 1 ग्राम एल्कोहल में, हालांकि लीटर्स में आती है लेकिन मैं ग्राम में कर रहा हूँ, 1 ग्राम एल्कोहल में 7 कैलोरी के आसपास आपकी एनर्जी होती है. इस वजह से तो उसका वेट ज़्यादा जल्दी बढ़ता है. अब अपन टॉपिक पे आते हैं कि कैलोरी कहाँ से मिली. इन चीज़ों से मिली. ये चीज़ें कहाँ से थी? आपने जो भी चीज़ खाई, मान लो आपने दाल खाई या चना खाए या फिर सोयाबीन खाई, तो आपको क्या मिला? प्रोटीन मिला, कार्ब मिला. आपने कोई तली हुई चीज़ खाई तो आपको क्या मिला? फैट मिला. आपने कोई शुगर से एडिड चीज़ खाई, कोई मीठी चीज़ खाई, तो आपको शुगर के रूप में कौन मिली? कैलोरी मिली. एल्कोहल से रिलेटेड कोई चीज़ खाई या कंज्यूम की, पी, तो आपको मिला ये, आपको एल्कोहल के रूप में कैलोरी. मतलब अल्टीमेटली मिलता क्या है? कैलोरी. और ये मिलती कहाँ से? जो भी अपन डेली लाइफ में चीज़ें खाते हैं. अब अलग अलग चीज़ें अलग अलग चीज़ों की जो सोर्स मानी जाती है. तो जैसे प्रोटीन की बात करूँ तो सबसे बढ़िया प्रोटीन का सोर्स
मेरी नज़र में कोई है तो वो है सोया चंक्स। सोया चंक्स से आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट की बात, अब सब्जियाँ देख लो जितनी या जितने ग्रेन्स बोलते हैं अपन, उनमें मैं मोस्टली जो गेहूँ बोलते हैं, गेहूँ का आटा होता है, तो उसमें 100 ग्राम के पीछे अप्रोक्सीमेट, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, कहीं तो अपन ये मान के चलते हैं 75 ग्राम के आसपास क्या होती है कार्बोहाइड्रेट होता है। 100 ग्राम गेहूँ में 10 ग्राम प्रोटीन होता है, अप्रोक्सीमेट 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या हो जाएगा, गेहूँ की रोटियाँ या गेहूँ के आटे से बनी हुई रोटियाँ। फैट, जितने ऑयल्स हैं उन सब में आपको फैट मिलता है। शुगर, आप जानते हो हर मीठी चीज़, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सैक्रोज, मोनोक्रोज, वो सारी चीज़ें शुगर के सोर्स हो जाती हैं। अब वेट लॉस और वेट गेन किस पर, कैलोरी पर कैसे डिपेंड करता है, अपन बात करते हैं। एक आदमी है जिसको डेली रिक्वायरमेंट है 2000 की, ये हर, अब वो आदमी क्या करता है कि उसको रिक्वायरमेंट है 2000 की, लेकिन वो इतनी चीज, ये सारी चीज़ें खाता है और पर डे अप्रोक्सीमेट कितना कर लेता है अपन, 2000-3000 पर वो कैलोरी कंज्यूम करता है, यानी वो खाना ज़्यादा खा रहा है, खाना ज़्यादा खा रहा है, तो उसकी चाहिए कितनी उसको 2000 अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। उसका 60 किलो वजन है, 60 केजी वजन है और 2000 कैलोरी उसको डेली चाहिए, लेकिन वो ले कितनी रहा है 3000, तो कितने सरप्लस है, इन दोनों में अंतर कितने का है, यानी वो 1000 कैलोरी ज़्यादा ले रहा है, 1000 कैलोरी वो ज़्यादा ले रहा है। अगर वो 1000 कैलोरी एक दिन में ज़्यादा ले रहा है तो 7 दिन में वो कितनी ज़्यादा लेगा, 7000 कैलोरी एक केजी के बराबर होती है, तो 7वें दिन उसका वजन कितना हो जाएगा, 61 केजी हो जाएगा। अब वो फिर यही काम करता है, फिर अगले हफ्ते 1000 और ज़्यादा लेता है, और फिर 7 दिन बाद में कितनी ज़्यादा ले लेता है, 7000 चाहिए उसको कितनी, 2000, लेकिन वो ले कितना रहा है, 3000 पर डे कितनी ज़्यादा हुई, 1000, तो 7 दिनों में कितनी हुई, 7000। अगले हफ्ते भी वो 7000 ज़्यादा लिया तो अगले हफ्ते उसका वेट हो जाएगा 62 केजी। ये नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता उस पर अपन फोकस करें। अभी दूसरा एग्जांपल भी लेंगे गेन वाला, ये गेन की बात कर रहे हैं 62। अब इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, एक बंदा है जिसको 2500 कैलोरी पर डे चाहिए, हाइट और वेट और एज, हाइट वेट एज और जेंडर पर डिपेंड करती है आपकी कैलोरी, मेंटेनेंस कैलोरी बोलते हैं जिसको, कि आप जिस एज में हो, जितना आपका हार्ड वर्किंग लाइफ स्टाइल है उस पर डिपेंड करता है मेंटेनेंस, ये हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, ठीक है। अब किसी को चाहिए 2500 और 2500 पे उसका वेट आज की तारीख में मान लेता हूँ 70 केजी है, ठीक है। अब वो बंदा क्या करता है कि अपने खाने पे कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करके वो 1500 कैलोरी लेता है, 1500 कैलोरी ली तो उसने कम कितनी ली, 1000 कैलोरी कम ली, एक दिन में कितनी कम हुई, 1000, 7 दिन में कितनी कम हो जाएगी, 7 दिन में 7000, 7000 कम हो जाएगी, 7000 यानी 7वें दिन उसका वेट कितना हो जाएगा, 69। ये है हेल्दी तरीका है वेट लॉस करने का। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू 2 दिन भूखे रह जाओ या कंटिन्यू 3 दिन भूखे रह जाओ तो आप सीधे 3 दिन में 1 किलो वजन, 1 महीने में 5 किलो वजन लॉस कर दिया, 10 किलो लॉस कर दिया, बहुत ही अनहेल्दी तरीका है। अगर आप इस तरीके से लॉस भी कर दोगे वेट का, वेट लॉस भी करोगे, थोड़े पतले भी दिखने लग जाओगे, लेकिन जैसे ही आप वापस थोड़ी सी डाइट लोगे वो सारा गेन हो जाएगा, सारा गेन हुआ। इसके साथ अब दूसरा तरीका, ये मैंने एग्जांपल लिए सिंपल से आदमी, लेकिन कहते हैं कि 1000 एक दिन में डेफिशिट करना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जो सही तरीका है वेट लॉस का, उसके लिए आपको सबसे जरूरी चीज़ होती है प्रॉपर नॉलेज, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिक वे क्या है वेट लॉस का। अब किसी व्यक्ति का 2500 केजी वजन है, उसको अप्रोक्सीमेट 20% डेफिशिट में जाना चाहिए, 20% डेफिशिट एकदम हेल्दी वे है वेट लॉस करने का। अगर ये है तो इसमें 500 का 20% 500 हो गया, ठीक है। तो अब उसकी कैलोरी कितनी होगी, वो इंटेक कितनी कर रहा है, 2000 इंटेक कर रहा है। इसके साथ अगर वो 1.5 घंटे या 2 घंटे या जॉगिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, और भी बहुत सारे जैसे पूरे दिन में हार्ड वर्क करता है या फिर रनिंग वाले काम कर, ब्रिस्क वॉकिंग करता है, वॉकिंग करता वगैरह करता है, और वो ऐसे करके 2000 की बजाय करते करते 500 कैलोरी और बर्न कर देता है, यानी 500 कैलोरी माइनस लगा देता हूँ, बर्न कर देता है, पूरे दिन में उसकी ओवरऑल एनर्जी कितनी हुई, तो ये थी उसको 2500, मिल रही कितनी है 1500, क्यों, क्योंकि 500 तो उसने कम खाई और 500 उसने एक्सरसाइज करके जला दी या बर्न कर दी, तो अब उसके पास बची कितनी, 1500। एक दिन में कितनी कम हुई, 2500 से 1500 कितनी हुई, 1000 कम,
वही 7 दिन में कितना? 1 kg वेट कम, ये 7,000, ये 7,000। और इससे प्लस पॉइंट क्या होगा इस तरह से वेट लॉस करने से? देखिए आपकी, एक तो आपकी जो बॉडी कोर है, कोर ग्रुप बोलते हैं कि बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी दिखने लग जाएगी, क्योंकि मसल्स ग्रो होंगे, तो आपको निश्चित रूप से इस चीज़ का फायदा मिलेगा। दूसरा, आपका वर्किंग लाइफ स्टाइल अच्छी दिखेगी, कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। एक्सरसाइज करने से कहते हैं कि कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है और बंदा खुश मिजाज रहता है। और 1500 होने की वजह से 7 दिन बाद में उसका वेट कितना हो जाएगा? 69। ये भी थोड़ा फास्ट प्रोसेस है, मैं तो ये कहता हूँ 1 pound यानी 500 ग्राम ही एक हफ्ते में कम करना चाहिए वेट, यानी मंथ में 2 kg 2.5 kg वेट लॉस हो रहा है, यू आर डूइंग रियली वेल। अगर आपका एक मंथ में 2 से 2.5 kg वजन कम हो रहा है एक्सरसाइज के साथ, गाइस इस पर कंसंट्रेट कीजिए, चाहे आधे घंटे ही कीजिए, 1 घंटे ही कीजिए, लेकिन पर डे में 24 घंटे में से अपने लिए 1 घंटा निकालिए और उसमें एक्सरसाइज कीजिए। वो आपको पूरे दिन को जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो उत्पादकता क्षमता है, उसको बढ़ा देगा, आपको फेल करा देगा कि आप कुछ जी रहे हो ढंग से जीवन को। दूसरी चीज़ समझ में अब वही आई कि वेट लॉस होता कैसे। वेट लॉस इस तरीके से होता है कि एक रिक्वायरमेंट, अब ये पर व्यक्ति की अलग अलग क्यों होती है, 2500। जैसे एक 25 साल का लड़का है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, अप्रोप्रिएट बातें नहीं कर पा रहा, 25 साल का लड़का है और हाइट है उसकी 6 feet, ठीक है, और वेट है उसका लगभग 70 kg, ठीक है। तो अगर बहुत सारे ऑनलाइन ऐप आपको मिल जाएंगे, हेल्थी फाइव वगैरह, हेल्थी पाल ऐसा कुछ है, सॉरी मैं वो कन्फर्म नहीं, लेकिन आप बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे ऑनलाइन, उनसे आप क्या देख पाओगे, वहाँ से आप ये निकाल सकते हो। इसको मेंटेनेंस कैलोरी बोल देते हैं, या फिर TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंसर, TDEE। एक होती है BMI, तो ये जो आपकी होती है, जो बॉडी को अपन को रिक्वायरमेंट होती है कैलोरी जो हो जाती है, और ये आपकी जो है टोटल एक्सपेंस है, वो दिन में डेली में एक्सपेंस होती है, एक्सपेंस एनर्जी होती है। तो इस पे आपको क्या करना है कि जो आपकी है मेंटेनेंस कैलोरी, अगर आपको वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है तो उस कैलोरी से आपको कम खाना है, ये सारी चीज़ें आपको कम खानी है। क्यों? अगर फैट तो कम से कम खाना है, क्योंकि एक थोड़ा सा फैट, मान लो आपने 100 ग्राम कोई चीज़ खाई जिसमें तेल है, हालांकि जैसे एक समोसा हो गया, तो समोसा का अप्रोक्सीमेट 270 के आसपास क्या होती है कैलोरी हो सकती है, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, 270 कैलोरी। एक छोटा सा समोसा आपको कितनी कैलोरी दे रहा है? 270। वहीं 2 रोटियां भी आपको 270 नहीं देती है, एक समोसा 270 के आसपास देता है, 2 रोटियां मिलकर कितनी देती है? 210। 2 रोटियां आपको पेट भरने में ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि ये थोड़ी देर में, क्योंकि वेट के हिसाब से देखें तो इनका कंपेरेटिवली रोटियों का वेट ज़्यादा होगा, फिर भी कैलोरी कम क्यों है? क्योंकि इसमें कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट नहीं है। और 1 ग्राम फैट किसके बराबर होता है? 9 कैलोरी के बराबर होता है। 1 ग्राम कैलोरी की, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट किसके बराबर होता है? 4 कैलोरी। अब शुगर की बात करते हैं, मीठा क्यों नहीं खाना चाहिए? आपने कई बार सुना होगा कि मीठे खाने से वेट बढ़ता है, तो ऑब्वियसली बात है, 4.2 कैलोरी। आप 1 ग्राम चीनी से आपको मिलती है 4.2 कैलोरी। अब आपने एक रसगुल्ला खाया या फिर एक कोई भी कोई मिठाई खाई, तो उस पूरी किससे बनी? मीठी है, तो उसमें मान लो 5 से 20 ग्राम शुगर भी है, 20 ग्राम मिनिमम मानते हैं 20 ग्राम, तो आपको 84 कैलोरी मिल गई, 84 कैलोरी, और वो एक रोटी के बराबर, अप्रोक्सीमेट रोटी के पास पहुँच गए। तो इसलिए कहते हैं कि कैलोरी आपको कम से कम कंज्यूम करनी है वेट लॉस करने है इसके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी पर मैं वर्क कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच अगेन।